दूंगी तमाम भाई बहन को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि हम सब कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। पिछला साल सभी के लिए बहुत इस महामारी के अंदर बहुत ही दुविधापूर्ण व्यतीत हुआ और सभी के मन में यह था कि वैक्सीन आए, लेकिन जब वैक्सीन आई तो अजीब विडंबना ये हुई कि लोगों के मन में ये डर उत्पन्न हो गया कि इस वैक्सीन से कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो गए। तो हमारे जैसे ही ये वैक्सीन हरियाणा के अंदर आई, कोवाशील्ड आई, तो उसके हरियाणा में जैसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे कि सबसे पहले सफाई कर्मचारी को लगनी चाहिए, वो वैसे ही लगी। लेकिन हरियाणा की जो प्रथम डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर वीना सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा सरकार हैं, और उन्होंने सबसे पहले कोवाशील्ड वैक्सीन लगाई। और आइए हम उसे पता बातचीत करते हैं कि ये वैक्सीन लगाने से उनको किस तरह से महसूस हुआ। डॉक्टर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू स्वास्थ्य मैम। जैसे हमको पता है कि आप प्रथम डॉक्टर्स हो, यानी पैरामेडिकल स्टाफ भी कह सकते हैं इसके अंदर, प्रथम हो हरियाणा के अंदर जिसने एक हिम्मत करके, हौसला करके, फेस करते हुए, एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कोवाशील्ड की वैक्सीन हरियाणा के अंदर लगाई। तो आप हमें ये बताइए कि आपको किस तरह से महसूस हुआ, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इस इंटरव्यू से प्रेरणा मिल सके। जब से ये वैक्सीन बनाने की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी इंडिया में, तो स्वास्तिक में इसको क्लोजली फॉलो कर रही थी, और जैसे इसके बारे में जिस तरीके की स्टडीज, ट्रायल, रिपोर्ट्स जो आ रही थी, तो मेरे को बड़ा सिक्योर, आई फेल्ट वेरी सिक्योर इन माय डिसीजन कि भी टीका वो इम्यूनाइज मुझे करवाना चाहिए। तो मेरे को, मैं बिल्कुल निश्चित थी एंड आई वाज कन्विंस्ड कि ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और मैं तो इंतज़ार में थी। और क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने सारे थे कि मैंने तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में अपना इंजेक्शन लगाया। जैसे ही इंजेक्शन लगाया था, उस टाइम जो किसी नॉर्मल इंजेक्शन का फील होता है वैसा ही हुआ, और 24 घंटे के बाद बॉडी एक हुआ, फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए और फीवर जैसा भी लगा, और आर्म में थोड़ा दर्द भी हुआ, बट वो अफेक्ट था, मतलब वो वैक्सीन का अफेक्ट था, उसको रिएक्शन नहीं बोलेंगे। एंड आफ्टर 2 डेज आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक थी मैं। और उसके बाद और साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेरे पे ये हुआ इस वास्ते, क्योंकि मेरा इतना विश्वास है इसकी टेक्नोलॉजी में कि ये मेरे बॉडी में जाके क्या फ़ायदा करेगा, कि मेरे को और सिक्योरिटी महसूस हो रही है, और जो कोरोना इन्फेक्ट हो जाने का जो भय है वो मेरा कम हो गया है। लेकिन मैंने अपने प्रिकॉशंस नहीं छोड़े हैं, बट मेरा फियर ऑफ कोरोना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने वैक्सीन लगवाया है उसने मेरे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम इतना अच्छा कर दिया है कि वायरस आएगा तो मेरा इम्यून सिस्टम उसको टेक कर। मैडम, अब बात करेंगे, आपने इम्यून सिस्टम की बात की है, कि लोगों के मन में ये भी धारणा है कि कोवाशील्ड, कोवा वैक्सीन, दो वैक्सीन आई है, कोवा वैक्सीन की अभी थर्ड ट्रायल हुआ नहीं, वो डायरेक्ट लोगों में आ रहा है, तो लोगों के मन में ये लग रहा है कि वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को आप किस चीज से देखते हो कि दोनों एक जैसी है, ये बताइए। नहीं, दोनों में फर्क है। और मैं पहले आपको कोवाशील्ड की हिस्ट्री बताती हूँ। कोवाशील्ड जो बनाई गई है, स्वीडिश मेकर है एस्ट्राजेनेका कंपनी, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड देन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब ये कोविशील्ड है क्या? ये एक रिकॉम्बिनेंट अडीनो वायरस है, अडीनो वायरस जो कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम करता है, और इसको इस तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया कि ये लगता कोरोना की तरह है, बट एक्चुअली ये कोरोना वायरस नहीं है। तो एक वीकेंड स्ट्रेन निकाला है एडीनो वायरस में से, और उसको एक स्पाइक सा बना के सार्स कोविड 2 बोलते हैं, तो वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वो बना के ये फिर बना है बॉडी में जाके ये स्टिमुलेट करता है, ये लगता है, बॉडी को लगता है कि कोरोना वायरस आ गया है, बट एक्चुअली वो एक मॉडिफाइड वैक्सीन है जिसकी शक्ल कोरोना जैसी है, और बॉडी में वो फिर एक इम्यून सिस्टम बना देता है, सेल्स बन जाते हैं हमारे। तो सेल कितनी देर में बनते हैं मैडम? पहली डोज के तुरंत बाद बनते हैं कि टाइम लगता है? वैक्सीन खत्म हो गया, लोग सोचते हैं वैक्सीन शरीर में लगा दिया तो वैक्सीन चल रहा है, वैक्सीन तो विद इन अ शॉर्ट टाइम निकल जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है
उसको ट्रिगर कर देता है। अच्छा। उसको ट्रिगर करके और बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स बना देता है, और अगर कोरोना वायरस मेरे आसपास फिर से आता है तो मुझे पूरा अब कॉन्फिडेंस है, मेरा इम्यून सिस्टम उस वायरस को एनवलप करके इंजेस्ट करके खत्म कर देगा। तो मैंने फिर दो डोज वायरस क्या चुपचाप होता है, दो डोज क्योंकि उसको बूस्टर भी चाहिए होता है। अच्छा। तो एक के बाद दूसरा लगाते हैं। ये है, सो दिस इज कोविशील्ड। अब फर्क कोवैक्सीन, कोवैक्सीन अपनी भारत बायोटेक की बनी हुई है, हैदराबाद कंपनी है। इसमें किल्ड वायरस है, जो कोरोना वायरस है उसको मार दिया गया है अंदर से, जो उसका जेनेटिक मटेरियल खत्म करके, और फिर वो किल्ड कोरोना वायरस बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो सिर्फ एक इम्यून लाइक रिस्पॉन्स देता है कि इम्यून मतलब इम्यूनिटी को करता है, बट वो किल्ड वैक्सीन है। यानी इन दोनों का मेथड ऑफ एक्शन डिफरेंट है, अलग अलग, एक नहीं है। हाँ, अल्टीमेट एम है कि इम्यूनिटी बढ़ाना, जो कि दोनों कर रहे हैं। उसमें सेकंड डोज के बाद 90% इम्यूनिटी आ जाती है कोविशील्ड में, और जो कोवैक्सीन है उसकी देयर सेइंग अबाउट 70%। दोनों में दो डोज लगते हैं, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। उसमें किल्ड कोरोना वायरस है, कोविशील्ड के अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जेनेटिक मटेरियल है, एडीनो वायरस है, जो कि डिजीज नहीं कॉज कर सकता, मतलब इतना वीक हो गया है कि वो कोई बीमारी नहीं कर सकता, सिर्फ बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा। तो मैम, जैसे आपने भी वो अच्छे तरीके से, हम भी सोचते हैं, दर्शक भी हमारे जो देख रहे हैं उनको भी काफी हद तक डाउट क्लियर होगा कि जो कोवा वैक्सीन कोवाशील्ड है वो दोनों उनका मैकेनिज्म एक्शन दोनों का डिफरेंट है, वो दोनों अलग अलग हैं। मैडम, अब एक बात पूछनी है आपसे कि आपने हेल्थ डिपार्टमेंट स्टडी भी की थी कि जिनको जीरो सर्वेलेंस स्टडी हुई थी ना, जीरो सर्वे वाली, जो जिनको कोरोना वायरस अपने आप ही होके ठीक हो गया, क्या उनको भी इंजेक्शन लगाना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। इसमें एक विंडो पीरियड दिया गया है व्हिच इज अबाउट 6 वीक्स, 6 हफ्ते का, कि अगर किसी को लगता है कि वैसे एंटीबॉडीज टेस्टिंग लोग करा लेते हैं कि भी सिम्टम्स नहीं थे, मे बी इन्फेक्शन होकर चला गया है, तो उन लोगों को भी 6 वीक्स का वेट करके, या किसी को रिसेंटली कोरोना हुआ तो उनको भी 6 हफ्ते, लिखते 4 वीक्स है बट आई वुड फील सेफर 6 हफ्ते वेट करके उन लोगों को भी करवाना चाहिए, लगवाना चाहिए कोविशील्ड। तो मैंने ये था ना कि कुछ लोगों के मन में, पहले गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि सबसे पहले डॉक्टर्स को लगेगा, फिर वो कह रहे थे कि जिनको अदर डिजीज है उनको भी लगेगा ये, और जो सेकंड फेज था उसमें सेकंड फ्रंट लाइन जो है उनको लगेगा। तो अब ये जो आ रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि जो 50 साल से ज्यादा उम्र के उनको अभी नहीं लगेगा, जो 18 ईयर से 50 के उनको लगेगा, तंदुरुस्त को लगेगा। इसके बारे में बताइए, मैंने वो कोवाशील्ड के लिए कि कोवा वैक्सीन के लिए, ये था स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना, करेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं, वो स्वाभाविक भी हैं, स्वाभाविक भी हैं। ये स्वाभाविक है, इट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन। आप कोई भी नई चीज़ करने जा रहे हो, तो इस किस्म के सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। नंबर वन, अडल्ट वैक्सीन है, जो हमारा दूसरा वैक्सीन था अगर याद हो तो हमारे मदर फादर ले जाते थे और हमें लगा देते थे, हमें तो पता भी नहीं होता था क्या है तो हम लगा लेते थे, लेकिन ये वाला अडल्ट का वैक्सीन है, तो अडल्ट दिमाग तो सोचेगा कि भी मैं लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ, पूरा स्टडी करूँ, अफवाहें फैली हुई है, करेक्ट नॉलेज नहीं है। तो इसके अंदर नंबर वन, 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब वो किसी स्टीरॉयड थेरेपी पे नहीं होना चाहिए, जैसे ट्रांसप्लांट का, रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, या उसको जैसे किसी डिजीज में उसकी क्रोनिक एड्स का पेशेंट हो गया जिसका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड है, उसको नहीं लगना है। एल्डरली जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है उनको भी नहीं लगना है। उसके बाद जिनको रिएक्शंस की होती है, मेडिसिंस को रिएक्शन हो जाती है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन की हिस्ट्री हो, मतलब एलर्जिक या कोई रिएक्शन की हिस्ट्री, उनको नहीं देना।
18 साल की उम्र से ऊपर के लोग और क्या बोलते हैं बिलो द इयर्स ऑफ 80 डिफाइन नहीं किया, ज्यादा एल्डरली नहीं होना चाहिए, कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए. उसके बाद क्या बोलते हैं मतलब एनीबॉडी आफ्टर दैट इज तो मैडम जैसे आपने कहा कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए, तंदुरुस्त वो इंजेक्शन क्यों लगाए आप ये बताइए, जो तंदुरुस्त है उसको वो इंजेक्शन क्यों लगाए? नहीं, उसमें तंदुरुस्ती के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. मैंने तो बहुत जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो बहुत कम है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कितने होंगे स्वास्थ्य जी, रीनल ट्रांसप्लांट और ये वाले तो बहुत थोड़े हैं. इन जैसे कोमॉर्बिडिटीज फॉर एग्जांपल सपोज कैंसर है, टीबी का इलाज चल रहा है, मतलब कितनी वो सब तो सबको लगा सकती हैं, जो नहीं लगाना वो तो बहुत ही थोड़े लोग हैं. तो मैम एक बात मुझे, आपने जो ये बात कही है सबसे पहले आपने ये भी कहा था कि कोवाशील्ड कोवैक्सीन, जो आपने ये अभी बात बताई है वो कोवा वैक्सीन के लिए, कोवाशील्ड को भी लगा सकता है कोवा वैक्सीन के लिए, ये भी क्लियर कर दीजिए ताकि कोई जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो दोनों के लिए सेम है, वेदर कोवैक्सीन और इट इज कोवाशील्ड, ये फार्मूला दोनों के सेम है. हाँ, वो सेम है. तो फिर वो जो बच्चे हो गए, बच्चे हैं जो जो बड़े हैं, उनके लिए क्या सोचा, वो कब लगाएंगे इंजेक्शन, वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं, उनको हम नहीं लगाएंगे कभी भी नहीं, के अभी अभी नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे कभी भी नहीं. इसीलिए जो लोग लगवा सकते हैं उनको इसी वजह से लगवाना चाहिए, इसलिए कि हमारी जिम्मेवारी बनती है समाज की तरफ, हमारी जिम्मेवारी बनती है बिलो 18 इयर्स के जो बच्चे हैं उनकी तरफ, बुजुर्गों की तरफ या जिनको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है. अगर हम लोग नहीं लगवाएंगे और हमारे को कोविड कोरोना वायरस है तो हम उनको और इन्फेक्ट करेंगे. उन लोगों को सेफ करने के लिए जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, बचे हुए जो लोग हैं, तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम वैक्सीन लगाएं ताकि बाकी लोग भी सेफ रह सके जो नहीं लगवा पाए. मैं यही पूछ रहा हूँ, तो ये एक जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी. मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं, जो 60 से हम मान लो, जो 60 मान लो, उससे ज्यादा है, 70-80 मान लेते हैं, क्या उनको इंजेक्शन लगाना चाहिए कि नहीं? उनकी कवरेज सरकार ने क्या सोचा है? उसकी कवरेज सरकार ने ये सोचा है कि जो बाकी भगवान भी बिल्कुल नहीं, फिर वो क्या? इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने आप को हम हेल्दी रखें, कोरोना वायरस रेप्लिकेट हम लोग ना कैरी करें और उन लोगों को भी सेफ्टी रहेगी. अगर हम सब लोग भी अपने, अगर हमारे में कोरोना वायरस आया, इम्यून सिस्टम में अटैक करके उसको आउट ही कर दिया, फिर कोरोना बचे गई कहां, तो हमने उनको भी सेफ कर दिया. अच्छा मैम एक बात आपसे और, तो सेफ कर दिया मैम, एक बात मैं आपसे और कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि किसी ने वैक्सीन लगा लिया, ठीक है जी, उसके अंदर इम्यूनिटी बन गई, ठीक है, उसको अगर कोरोना होता है, मान 1% के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में हम 100% नहीं कह सकते, अगर बाय चांस हो जाता है, तो क्या उस कंडीशन में वो जो कोरोना होगा वो दूसरे में स्प्रेड होगा कि नहीं, ये बता. देखो कोरोना का तो स्प्रेड जो नॉर्मल, चाहे किसी को जो कोरोना हो जाएगा उसका मेथड ऑफ स्प्रेड सेम रहेगा, दैट विल नॉट चेंज. फिर मैडम लगाने का क्या फायदा? नहीं क्यों, आपको होएगा ही नहीं कोरोना. अगर कोरोना वायरस लग गया तो मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होएगा कि वो उसको खा जाएगा वायरस को, मेरी जो इम्यूनिटी वाले जो सेल्स बन गए हैं जो मैंने वैक्सीन लगाया है उसके सेल्स उसको इंजेस्ट करके खत्म कर देंगे. आपने बिल्कुल ठीक कहा, एग्री कर रहे हैं, बहुत सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा. लेकिन अब संशय यहाँ पर ये होता है कि अगर किसी 60 ईयर जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको हो जाए, उनको तो इंजेक्शन ही लगा, जो छोटे बच्चे उनको हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर तो स्प्रेड तो होगा ना? हाँ वो तो रहेगा, वो तो रही. हाँ जी, यानी आपके कहना था कोरोना वायरस रहेगा. देखो जैसे खत्म हो, देखो पैंडेमिक, लेकिन उसमें ये भी कहते हैं स्वास्थ्य, इट इज अ पैंडेमिक एंड इट इज कमिंग डाउन. आप देखिए, मुझे इतना फक्र महसूस होता है एक इंडियन होके हमारे कंट्री ने एकजुट होके कि कौन से प्लेटफॉर्म में हम लोग इकट्ठे हुए, इंसानियत के प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होके हमने इस पैंडेमिक को इतने अच्छे से कम्बैट किया कि आज के दिन आप देखो नॉट मोर देन 10,000 नए केसेस हो रहे हैं, नॉट मोर देन 100 डेथ्स हो रही है. पर मैंने उसमें तो इंजेक्शन लगे,
इंजेक्शन के बगैर ही आपका कम हो रहा है। हाँ, तो वो कम नीचे आ रहा है इसलिए कि इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए जिससे कि ये स्प्रेड ना हो और फिगर कम्स डाउन। इट इज नॉट कि ये अपने आप हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हमारे पूरे हेल्थ वर्कर्स, मतलब आई विल से इट इज डिफिकल्ट टू से कि इट्स ओनली हेल्थ वर्कर्स, पूरे जो आई विल से एवरी इंडियन गॉट टुगेदर इंसानियत के नाम पे 24 घंटे लग के इस पैंडमिक से लड़े हैं और इसको अपने आप एक नेचुरल डेथ की तरह ये इंडिया में देखने में पैटर्न आ रहा है जिसके अंदर केसेस बट इसको अल्टीमेटली एलिमिनेशन के लिए लेके जाना है। तो जो पॉपुलेशन है जिसके अंदर हम इम्यूनिटी बढ़ा के वायरस को किल कर देंगे तो ऑफ कोर्स इट विल कम टू अ डिक्लाइन। अब आपने इंडिया की बात की, अब हम फॉरेन की बात करते हैं। जैसे चाइना और यूएसए यूके में थे तब ये भी स्टडी आई थी, वहां पर जो वायरस का टाइप है वो डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है। तो उसके कारण तो नहीं कि यहाँ का जो वायरस डिफरेंट हुआ उसके कारण यहाँ पर लोग का कम कैजुअलिटी है वहां पर ज्यादा है? नहीं, देखो अभी जो यूके में नया वायरस उन्होंने डिटेक्ट किया था उसकी फेटलिटीज काफी हाई है, और यूएस में भी अगर अभी हम देखें तो उनके फिगर ऑफ कोरोना वायरस इज मच हायर। और हमारी कंट्री में आप देखो स्वास्थ्य 6 महीने में कितना डिक्लाइन आया है मैडम। और वहां पर आप ये भी देखिए ना, वहां पर मैडम वहां पर जो पॉपुलेशन भी तो कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से मीन वैल्यू निकालेगा डब्ल्यूएचओ तो यहां पर जा रहा है तो उसके हिसाब से हमने तो हम एकजुट होके हम हर हिंदुस्तानी ने इस पैंडेमिक का इतने अच्छे से फेस किया है, इसको मैनेज किया है, कंट्रोल हुआ है। ये नहीं कि अपने आप से कुदरती ही खत्म हुआ है, प्रिकॉशंस लिए है। हमारा तो ऑलरेडी फैब्रिक वैक्सीन जो हम मास्क लगाते हैं वो भी एक वैक्सीनेशन है, फैब्रिक वैक्सीन था। डिस्टेंसिंग जो हमने करी, लॉकडाउन किया, हमने जो एक पैंडेमिक के जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमारी कंट्री में और हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छे से लिए गए, और इसका नतीजा ये है कि आज के दिन लगता है ये पैंडेमिक ऑफ कोरोना इज डाइंग। बट इसको और कंप्लीशन ले जाने के लिए वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। तो मैडम जो अब जो अभी यूके में भी है स्ट्रेन 2 आ रहा है तो अगर बाय चांस इंडिया में आता तो यही मेडिसिन उसमें काम करके अलग से लगाना पड़ेगा? नहीं, देखो अभी जो ये वैक्सीन चल रहा है इट इज गोइंग टू कवर द कोरोना वैक्सीन द कोरोना वायरस। तो जो अभी तक इतना जो स्ट्रेन 2 है ये अभी तक ये लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं कि इट विल किल, सो दैट वी कैन नॉट। तो मेडिसिन यही रहेगी इसमें क्या डोज? अभी तो फिलहाल यही चलेगी, डोज बढ़ाने से नहीं कोई असर होगा इसी से। अभी तो हम मेरा हर किसी से, एक तो लोगों में ट्यूमर्स बहुत सारे हैं, दूसरे एक अडल्ट हैं जिनको खुद के लिए फैसला लेना है वो थोड़ा घबरा रहे हैं, इट इज नेचुरल। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अवेयरनेस करें, तो मैं वैक्सीन के बारे में नॉलेज बताएं कैसे बना है, कैसे अफेक्ट करता है, क्यों लगाना जरूरी है, ये सारी बातें और करेक्ट नॉलेज नहीं है इसीलिए लोग थोड़ा हट के लगा रहे हैं, बट लगाना चाहिए। जैसे मैंने अपने अभी अभी आपने अवेयरनेस की बात की, जैसे आप एड्स में थे प्रोजेक्टर तभी आपने अवेयरनेस के बहुत कैंप लगाए थे, सबको पता है यहाँ पर हरियाणा में। तो इसी तरह से क्या NHM हो गया, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा हो गया, इस तरह के कोई कैंप लगा रहा है जिससे लोगों के घरों में जाकर जहाँ कोई किसी मीडिया से या किसी और तरीके से अवेयरनेस आए लोगों के मन में? आपसे बात कर रही हूँ तो एक अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास ही कर रही हूँ। बिल्कुल, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से लगा हुआ है लोगों को करेक्ट नॉलेज देने में, अवेयरनेस में, किस लिए लगवाना चाहिए, क्या उनके बॉडी पे असर होना चाहिए, किन को नहीं लगाना चाहिए, इन सारे जो गलत धारणाएं हैं उसको हम हर प्लेटफॉर्म पे, हर डिपार्टमेंट इसको टिकअप कर रहा है। और आपको आई वुड लाइक टू शेयर कि हरियाणा का हमारा रैंक 3 है इम्यूनाइजेशन में इन दी हेल्थ केयर वर्कर्स, बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो तो बहुत छोटे यूटीज हैं। हरियाणा के अंदर हम अभी तक 1,26,000 दे चुके हैं, 2,00,000 हमारे लगभग एम्प्लॉयज हैं। तो हरियाणा में अवेयरनेस बहुत अच्छी है, बट वी आर नॉट सिटिंग, वी आर स्टिल नॉट हैप्पी। जब तक पूरी बेनिफिशरी पॉपुलेशन को हम लगा नहीं देंगे हम लोग बिल्कुल बैठेंगे नहीं।
हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह करेक्ट नॉलेज अबाउट द वैक्सीन को प्रोपगेट करेंगे। एक तो सबसे बड़ी धारणा ये थी कि ये जो वैक्सीन है इसको तो भाई -70 डिग्रीज इंडिया में तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का टेम्परेचर 2 to 8 degrees, दैट इज एक नॉर्मल फ्रिज में भी रखा हुआ है तो उसके अंदर भी वो सेफ है। तो लोगों ने ये सोचा कि इंडिया में हम कोल्ड चेन ही नहीं मेंटेन कर पाएंगे, सबसे बड़ा ये वाला था। लेकिन उसमें तो ये दोनों वैक्सीन 2 to 8 degrees में है तो वो वाला भी खत्म हो गया। दूसरा आप देख लो, अब ऑलमोस्ट 3 weeks हो गए हैं, 16 January को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। कोई भी किसी की डेथ हुई है क्या वैक्सीनेशन से? नहीं हुई है। और जो लोगों को अफेक्ट, इसको मैं बोलूंगी अफेक्ट ऑफ द बॉडी, रिएक्शन नहीं बोलूंगी, ये तो बॉडी का रिस्पॉन्स है। अगर बुखार आ रहा है, चिल्स एंड राइगर्स आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, ये तो वैक्सीन को रिस्पॉन्स है जिससे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स बन रहे हैं। और ये इम्यून सेल्स अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है उसको फटाफट, तो मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ही ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाएगा, बिल्कुल हर जगह लगाएगा, क्योंकि ऐसी प्लानिंग बन रही है, बिल्कुल बन रही है। हमारे वदी हेल्थ मिनिस्टर साहब, वदी ACS तो पूरे टाइम मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर की बात की, हेल्थ मिनिस्टर ने कोरोना वैक्सीन लगाई थी तो उसके बाद उनको वो हो गया था, वो विंडो पीरियड होता है इस वास्ते एंटीबॉडीज बनने के अंदर। अगर वो कोवाशील्ड लगाते, अगर कोवाशील्ड लगती फिर ना होता, नहीं उससे उससे कोई फर्क, उससे कोई चक्कर नहीं, उससे कोई, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डअप करने में टाइम लगता है। वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन खत्म, बॉडी का रिस्पॉन्स हो रहा है, इम्यूनिटी बना रही है। अभी भी मेरे बॉडी के अंदर वैक्सीन लगा हुआ है तो इम्यून सेल्स आर रेप्लिकेटिंग, बन रहे हैं। ये भी अगर आ गया कोरोना वी किल इट। और सेकेंड डोज का मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, so that I feel psychologically safe। तो मैडम ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जो जैसे लोगों के मन में धारणा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा ये हो सकता है क्योंकि लोग ताकि लोग प्रिपेयर होके आ जाएं, हां बिल्कुल, कि बहुत ज्यादा शिवरिंग हो जाए, बहुत ज्यादा बॉडी एक हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सामने आया, जैसे लोगों के मन में धारणा थी इंजेक्शन लगाने का लकवा मार देगा चेहरे पे, ऐसे आए ना सामने, हुआ क्यों नहीं। अब इसको तो साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे ना, कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया दर्द हो रहा है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो आम पैटर्न से टिका जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फीवर आ गया है तो फीवर को भी स्वाभाविक है। उसके बाद बॉडी एक आ रही है, थन थनी कम कपी उठ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा है तो वो उल्टी भी बाकी छोड़ो, हम अपने हरियाणा में ही देखे ना, 1,26,000 लोगों को लग चुका है। आप बता दो किसके साइड इफेक्ट हुआ है? इट इज ऑल रिएक्शन, इट हैज अफेक्टेड द वैक्सीन का रिस्पांस इज वेरी गुड, कुछ भी नहीं हुआ है किसी को। तो मैं अब एक शब्द में, एक शब्द में, एक यानी वाक्य के अंदर वैक्सीन से रिलेटेड अपने हरियाणा ही कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारे फोर्सेस में भी हमारे इंडियन बैठे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे इस इंजेक्शन टीका लगवाने में, जो स्लोगन को स्थिति का स्वास्थ्य जी, एक तो अपने लिए नहीं अपनों के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब हमारा फर्ज बनता है एज डॉक्टर्स, हमारे को वी आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस क्योंकि हमारा ज़्यादा कॉन्टैक्ट मरीजों से आता है, तो हमारे जब हम घर वापस जाते हैं तो हमारे बच्चों की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, सोसाइटी में और लोगों से मिलते हैं। तो अगर हम रूट चभी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने आप की तो कर ही रहे हैं लेकिन और लोगों की जो प्रोटेक्शन है उनके लिए, अपने अपने के लिए भी बट अपनों के लिए अवश्य वैक्सीन लगवाएं। तो देखो आज हमेशा कहते हैं कि एक स्लोगन होता है किसी भी हम अवेयरनेस कैंप का, आज हरियाणा से पूरे हिंदुस्तान को स्लोगन मिला है, हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को, कि वैक्सीन अपनों के, अपने अप
नहीं अपनों के लिए ये वैक्सीन लगाएं, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। और हमें लगता है कि आज की इंटरव्यू के बाद जो हमारी हमारी बातचीत हुई है, कम से कम वो लोग जो वैक्सीन के प्रति जिनके बारे में डर था, उनका काफी हद तक ये डर निकल चुका होगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में हमने एक एक पहलू पर बात की है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि ये किस तरह से काम करती है, और जो डॉक्टर साहब ने स्लोगन दिया है वो अपनों के, डॉक्टर साहब फिर बोलना है अपने लिए नहीं अपनों के लिए वैक्सीन लगाएं। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे साथ डॉक्टर वीना सिंह। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।